दिनों में निश्चित तौर हम नेता के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग डर गया है, सहम गया है, क्योंकि वो लोग स्वार्थी है, लालची है, धोखेबाज है, देश को धोखा दिया है, देश से जुमलाबाजी किया है। वो जानता है कि हमारे जो नेता चल रहे हैं, तो ये नेता का जो आपने देखा है तौर तरीका काम करने का, त्याग तपस्या जो किया देश दुनिया देश और प्रदेश के लिए, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है। नेता के नेतृत्व में बीजेपी नहीं, जो हम काम करते करने नहीं देते हैं, अड़चन डालते हैं। गणना की बात हुई, पूरे देश की बात हुई, तो भाग गए, पीछे हट गए लोग। हमारे नेता ने कहा मैं कराऊंगा। नेता तो आप देखे ये महापुरुष ऐसे हैं, जो कर लेते हैं, ठान लेते हैं, जो हित में होता है समाज के, बिहार के हित में जो भी हुआ उन्होंने काम किया है, बढ़ चढ़ काम किया है। ये लोग जिसका आप नाम लेना चाह रहे, नाम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, जो इससे पहले उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक जब आए थे, वो अपने काम को तो बताएं, गिनती कराने, मेरे काम को छोड़े। मुस्लिम का गलत डाटा दिया गया है, तो आ जाए डाटा, फिर जांच करा लेना भाई, हम पीछे कहां भाग रहे हैं, वो जांच करा लें। उनका उनका चले तो आप जानते ही हैं, जो उनके साथ नहीं रहता कुछ भी कर सकते हो, तो आप देखे भी हैं, आप छिपा थोड़ी है। मंत्री जी, बीजेपी ने एक बड़ा हमला आप लोगों के ऊपर अभी भी किया है कि जो बनारस में आप लोग रैली करने जा रहे हैं, दरअसल बनारस इसलिए आप लोगों ने कहा कि बिहार के बाहर वो सारी चीजें मिलती है जो आप कार्यकर्ताओं को वहां पे बुला सकते हैं, और जो जेडीयू के नेता है, आज जो बड़े नेता है, उनका चेहरा आजकल खुला हुआ है, सीधा सीधा वो जो बैन है बिहार में उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बनारस की अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, वो समझ चुके हैं, हमको पसीना लोगों को आ रहा है। वो बनारस में उत्तर प्रदेश की जनता रहेगी, बनारस जनपद की जनता रहेगी, एक भी बाहर ही नहीं जाएंगे, अकाउंट 4 लाख की भीड़ रहेगी, आप देख लीजिएगा, उनको पसीना आ चुका है, वो समझ रहे हैं, डर रहे हैं। तो ऐसा ऐसे नेता का प्रोग्राम हो रहा है, जो नेता स्वच्छ छवि वाले हैं, सब कुछ लेकर चलने वाले हैं, तो आज बनारस जनपद में ये हल्ला मच चुका है। ऐसा नेता हमारे बीच में आज आ रहा है, उसको लेकर देखिए जो भीड़ होगी, जो उमंगी होगी, जो उत्साह होगा, देखने को मिलेगा। हम लोग जातीय लेकर नहीं चलते हैं, हम लोग उस नेता को मानते हैं, उस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, जो नेता ने सबको लेकर चलने की बात की है, बिहार के अंदर जो उन्होंने काम करके दिखाया, सबको लेकर चलने की जो तौर तरीका दुनिया को दिखाने का काम किया है, वो आपसे में छिपा हुआ नहीं है। वो लोग हैं, कभी कोई कुछ कार्ड खेलते हैं, कभी कुछ कार्ड खेलते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में देश जान चुका है, कब किसको बनाए उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो किसी के नहीं है, ये सब जानता है, पूरा देश जान रहा है। जो दिल्ली के सरकार चल रही है, जो देश को नेतृत्व कर रहा है आज के डेट में, वो सबके साथ, देश के साथ, देश के आवाम के साथ उन्होंने धोखा दिया है। किसको कब बैठाएंगे उससे लेना देना नहीं है, जनता समझ चुकी है कि आपका टारगेट क्या है। वो उनको सिर्फ कुर्सी की अपनी लालच होती है, कुर्सी कैसे मिलेगी, कैसे किसे फोड़ना है, ये सब वो जानते हैं कलाकारी, मगर जनता जानती है, जनता उनका विचार देखी है, उनका काम देखी है देश के अंदर 9 सालों से, इसलिए जनता इनको इंतजार करी, 24 का जवाब देगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, तू जात धर्म जो बातें करते हैं, मेरा नेता इस पर बात नहीं करते, मेरा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप भी जानते हैं, आप जहाँ कोई नहीं जानता है, तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, भाईचारा मोहब्बत के साथ। असर पड़ेगा बिहार में, जवाब बिहार में उसका असर पड़ेगा, कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता का एक ही मांग है, नीतीश कुमार जी दिल्ली में बैठे, जनता की चाहत है कि जिस तरह से देश के प्रदेश ने अलग अपना, बिहार प्रदेश अलग हर मामले में दिखाने का काम किया, या काम का तौर तरीका हो, रहने का तौर तरीका हो, हम आपस में भाईचारा बनाकर चलने का तौर तरीका हो, हमारे नेता ने दिखाने का काम किया, देश के तमाम जनता ये चाहती है कि नेतृत्व भी करें, आगे बढ़े, ताकि देश भी शांत भी रहे, भाईचारा के साथ विकास हो। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मात्र ऐसा पार्टी जो ने सीएम तक बनाया है। नहीं नहीं, सीएम की बात, सीएम तो हमने बनाया है, जिसको बनाया है सरकार ने बनाया है, आप छिपा हुआ थोड़ी है, हम लोगों ने यहाँ इतिहास रचा है। हम इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री बनाया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम लोग जात की बात की नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज हमारे नेता को विकास के नाम से पूरा दुनिया जानती है, जात के नाम से नहीं जानती है। जाति विशेष को लेकर सबसे ज्यादा हंकार भरते रहे आप लोग, वही समीकरण इनको सबसे ज्यादा जाति जनगणना में दिखाया गया, क्या लगता है कि बीजेपी आप लोगों से ज्यादा पहले जी नहीं, बीजेपी को सब जानता है,
ये आदमी, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों का कोई सोच ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए अच्छी सोच हो। आज जो बन जिसको बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हर समाज के लोग साथ रहे होंगे, इसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास सबने विश्वास किया था तब तो जीते। नित्यानंद राय जी क्या है, हम उधर ही जाना चाहते, कई लोगों को मानने वाला है। जब मेरे कहने का मतलब यह है कि काम अच्छा होना चाहिए, मैं जाति बात नहीं करता हूं, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता। जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, आप भी जानते हैं उनका सोच क्या है। उनका यह सोच है प्रदेश को सबको लेकर चलने के साथ साथ विकास हो। तो आज जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नहीं विरोध करना, आलोचना करना चाहता हूं। नित्यानंद राय जी क्या है आप भी जानते हैं, कौन किसको मानता है आप भी जानते हैं। इसलिए मानता है कि देश का प्रदेश के प्रति किसकी अच्छी सोच है। दिनों में निश्चित तो हम नेता के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग डर गया है, सहम गया है, क्योंकि वो लोग स्वार्थी है, लालची है, धोखेबाज है, देश को धोखा दिया है, देश से जुमलाबाजी किया है। वो जानता है कि हमारे जो नेता चल रहे हैं, तो ये नेता का जो आपने देखा है तौर तरीका काम करने का, त्याग तपस्या जो किया है देश दुनिया देश और प्रदेश के लिए, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है नेता के नेतृत्व में।